हाय एवरीवन, माय सेल्फ असगर अली, फाउंडर ऑफ कलाभूमि आर्ट्स। गाइस, आज हम आप लोगों के बीच में लेके आ रहे हैं करियर काउंसलिंग इन फाइन आर्ट्स। तो आज हम करियर की कुछ बेसिक बातें जो है डिस्कस करेंगे आप लोगों के बीच में। और देखिए, एक फाइनली अगर बात की जाए कि अगर फेस टू फेस अगर स्टूडेंट सामने हो, और जितने ऑल ओवर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स लाइफ के अंदर काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक स्टूडेंट मुझसे जो है मेरे स्टूडेंट्स मुझसे डिस्कस करें, और पॉइंट टू पॉइंट फिर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस और अपने स्किल्स जो मेरे पास लास्ट 13 ईयर्स के हैं वो मैं आप लोगों के सामने शेयर करूँ। प्लीज़। हाय, गुड आफ्टरनून सर। मेरे क्वेश्चन है, जैसे अभी मैंने 10th कंप्लीट किया है, मेरे को फाइन आर्ट में ड्राइंग एंड पेंटिंग करने में काफ़ी इंटरेस्ट है, बट अभी मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि मुझे किस स्ट्रीम को चूज़ करना चाहिए जिससे मैं 12th के बाद इसी फील्ड में करियर अपना बना सकूँ। देखिए, सबसे पहले बात है, अगर आपने 10th आफ्टर 12th अगर आपको जाना, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि नींव आपको 10th में ही रख देनी चाहिए। 10th में जो आपने सब्जेक्ट्स अपने सेलेक्ट किए हैं, जो अपने स्ट्रीम्स ली हैं, उसी के बेसिस पे आप अपना करियर आगे फाइनल कर सकते हैं। जैसे इसमें सर, अभी 10th के बाद जो 11th में हम स्ट्रीम लेते हैं, उसमें तीन हमारी स्ट्रीम्स होती हैं, आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स। तो उन तीनों स्ट्रीम में से मुझे आर्ट्स को, मतलब किस फील्ड को लेना चाहिए जिससे कि मैं अपने इंटरेस्ट के फील्ड में जा सकूं? देखिए, सबसे पहली बात है, अगर आपका इंटरेस्ट एक काफी बड़ा वर्ड है। मेरा पर्सनल मानना है कि कहीं ना कहीं गॉड ने सभी के अंदर एक टैलेंट जरूर दिया है। एक बच्चे का इंटरेस्ट होता है, किसी का म्यूजिक, किसी का आर्ट, किसी का ड्राइंग, किसी का स्पोर्ट्स, वो कहीं ना कहीं आप इंटरेस्टली आप करते हैं, और वो चीज़ें आप अपना 8th 9th स्टैंडर्ड से ही आप अपनी हॉबी के अंदर आप देखते हैं। किसी को गिटार बजाना, किसी को आर्ट स्केचिंग करना, राइट, किसी को स्पोर्ट्स में, उन्हीं चीज़ों को अगर आपने ये देख लिया कि आप उसमें इंजॉय कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि आप उसको अपनी स्ट्रीम में कन्वर्ट कीजिए। क्योंकि जब आपकी स्ट्रीम में कन्वर्ट होगी, आपको करने में जो आप इंजॉयमेंट फील करते हैं, जो आप इंजॉय आपको मिलता है उस चीज़ से, जो आपको एनर्जी मिलती है, और अपना 100% आप उसमें देते हैं, वो 100% ही आपको अपना गोल, आपका गोल आपको अचीव कराएगा। तो मेनली चीज़ है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्रिएटिविटी में, क्रिएटिव अगर आपको लगता है कि आपको कहीं ना कहीं टीचर्स से, या कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स से, या अपने फ्रेंड सर्कल से ये वर्ड्स आपको सुनने को काफ़ी, आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, आप तो मतलब बहुत इजीली आप जो इसमें अपना करियर बना सकते हैं, तो वहाँ से आपको एक एनर्जी का डोज मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात है, उस एनर्जी को आप अपनी मेहनत मान कर उसमें जुट जाइए। अगर आप स्टार्टिंग एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन के साथ साथ अगर आपने अपनी हॉबी को परसुइंग कर लिया, बढ़ा लिया, तो 100% आफ्टर 12th आप अपना गोल बहुत अच्छे से अचीव कर पाएंगे। सर देखो, इसमें क्या होता है, जैसे फैमिली को भी पता है कि हमारा ड्राइंग में और आर्ट में इंटरेस्ट है, लेकिन वो उसको एक एज ए हॉबी लेके चलते हैं कि 12th के बाद हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, इसी करियर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। वो सबसे ज़्यादा रिकमेंड जो करते हैं वो साइंस एंड लाइक इंजीनियरिंग एंड उसकी साइंस वाली स्ट्रीम्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और वो सजेस्ट भी वही करते हैं कि आपको मेडिकल में जाना है, या फिर आप इंजीनियर बनिए, या बीकॉम एमकॉम कीजिए। लेकिन जिस बच्चे का इंटरेस्ट फाइन आर्ट्स में होता है, जो ड्राइंग एंड पेंटिंग करना चाहता है, तो इसी से रिलेटेड ग्रेजुएशन के बेस पे उनके लिए कौन सी फील्ड्स बनी होती है? देखिए, दो चीज़ें हैं। सबसे पहले है कि आफ्टर 12th अगर चीज़ें आपको डिफाइन है, कि आपको पता है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन में क्या फ़र्क होता है, बात करते हैं बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, ऐसे ही होता है बीएफए, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, ये आपका टेक्निकल प्रोग्राम है जो कि 4 ईयर्स का होता है। अब मेनली चीज़ क्या है कि स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होता है कि बीए और बीएफए में क्या डिफरेंस है। तो बीएफए मेनली चीज़ है जो कि टेक्निकल है, ग्रेजुएशन के बारे में सब जानते हैं जी। बट जिसमें फाइन आर्ट्स, आर्ट्स उसके डिपार्टमेंट्स हैं। डिपार्टमेंट्स में अगर बात करें तो पेंटिंग, अप्लाइड, विजुअल कम्युनिकेशन, प्रिंट मेकिंग, स्कल्पचर, ये सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। और जो वर्ड अटैच है, देखिए इसमें मैं फोकस करूँगा फाइन, जो बात पहले से स्टार्ट होता, अगर आप अपनी हॉबी को फाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो आपका करियर बन जाता है। मेरा पर्सनल मानना है, अगर आप एक जिस चीज़ में छोटा भी अगर आपका एक्सपीरियंस है, मान लीजिए अगर आप कुकिंग भी अच्छा करते हैं, आप एक चाय भी अच्छा बनाएंगे ना,
तब भी हजारों लाखों लोग दूर दूर से आपके पास चाय पीने आएंगे क्योंकि आपका उसमें स्प्लाइजेशन हो गया है। आज हम बात इसी चीज पे आएंगे कि स्प्लाइजेशन के अंदर कितनी चीजें हैं और स्प्लाइजेशन करने के बाद 101% आप सक्सेसफुल पर्सन बन जाते हैं, क्योंकि BFA प्रोग्राम के अंदर में आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आफ्टर 12th अगर बात करें तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको बेसिक चीज़ों का जो है पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कि आप BFA के अंदर किसी भी स्ट्रीम से आप जा सकते हैं। अगर आपने आर्ट्स लिया है, साइंस लिया है, कॉमर्स लिया है, आप इजीली आप BFA कर सकते हैं, बट आपका सिर्फ आफ्टर 12 45-50% आपका परसेंटेज आपका होना चाहिए। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि जरूरी नहीं कि आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो। जो मारामारी है 90-95% लाने के बाद जब करियर गोल सेट हो पाता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत इजीली अगर आपके अंदर स्किल्स हैं तो मेरा सिर्फ ये कहना आपको ज़रूर होगा कि आप अपने स्किल्स को पे विश्वास रखें और कहीं ना कहीं टेक्निकल नॉलेज ज़रूर लें, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज से क्या होता है ना कि जो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं स्कूल लाइफ में मिली है कि नहीं यार आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, तो वो औरों के लिए काफ़ी अच्छी है। बट वहाँ पर डिग्री प्रोग्राम में क्या होता है कि जब आप एंट्रेंस में आप बैठेंगे तो वहाँ पर ऐसे बहुत सारी गलतफहमियाँ दूर हो जाती हैं, क्योंकि आर्ट टीचर बनना, आर्टिस्ट बनना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी कि आप उस वहम से बाहर आएँ, कहीं ना कहीं आप एज ए प्रोफेशनली आप जो है कोचिंग लें, क्लासेस लें, जिससे कि आपकी जो हॉबी थी, जो आपकी ड्राइंग में जो वीकनेस थी, जो टेक्निकल चीज़ें आपको नहीं पता थी, जो ड्राइंग में छोटा बन जाना सिर्फ तारीफों से ये होना कि हाँ मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, तो एंट्रेंस में क्या होता है कि इसलिए लास्ट 2-2 ईयर से स्टूडेंट्स अटैम्प करते हैं बट वो भी क्लियर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया बेस्ड एग्ज़ाम होता है, हज़ारों की तादाद में बच्चे आते हैं। सपना यही होता है कि हाँ मुझे टॉप कॉलेज में जो है मुझे जाना है, तो उस कॉलेज के अंदर जाने से पहले पहले आपको काफ़ी सारी सावधानियां और काफ़ी सारी चीज़ें आपको पहले से पहले आपको प्रिपेयर करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मान लीजिए अगर आपने कहीं से आपने प्रोफेशनली अगर आपने स्किल्स लिए हैं तो आप 50% क्राउड को पहले से ही आप चेज़ कर लेंगे। क्योंकि मेरा मानना है लास्ट 13 ईयर से मैं इस फील्ड के अंदर हूँ, बच्चों को एंट्रेंस की क्लासेस हमने दी हैं, बताते हैं, और अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स आज अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जो हैं बैचलर्स करके बाहर निकल चुके हैं। तो ये फेसिंग आया कि वो क्लासेस नहीं लेते हैं तो उनके 1-2 साल उनके ड्रॉप भी होते हैं, चांसेस भी इतने ज़्यादा होते हैं कि आप इस कॉलेज में इजीली आप एंट्री कर जाओगे। तो इसमें जैसे आपने मुझे पूरा बैचलर और फाइन आर्ट्स के बारे में बताया, अदर कौन कौन से ऐसे फील्ड्स इसमें होते हैं, लाइक जैसे अगर मुझे इंटरेस्ट है कि मुझे ड्रेसेस बनाने में इंटरेस्ट है तो मैं किस फील्ड में जा सकती हूँ उससे रिलेटेड? ठीक है, फील्ड्स वाइज इसमें मेनली चीज़ें फाइन आर्ट एक काफ़ी बड़ा हब है, ये 4-5 बड़ी फील्ड आती हैं, ये हैं क्रिएटिव फील्ड्स। और क्रिएटिव फील्ड में अगर आपको लगता है कि आप क्रिएटिव हैं तो आप किसी भी फील्ड में आप ट्राई कर सकते हैं। कुछ कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ कुछ क्राइटेरियाज हैं। अगर मान लीजिए आप NIFT में आप जाना चाहते हैं, निफ्ट में अगर आप जाना चाहते हैं, तो निफ्ट के लिए आप भी आप आफ्टर 12th किसी भी स्ट्रीम से, यानी अगर आप मान लीजिए आपके पास आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, इस स्ट्रीम से भी आप इजीली NIFT आप कर सकते हैं। और मेनली चीज़ है कि सभी को पता होता है निफ्ट के बारे में कि फैशन डिज़ाइनिंग, यानी कि मुझे फैशन डिज़ाइनर बनना है, बट मैं आपको ये भी बता दूँ 4-5 बड़ी फील्ड इसके अंदर होती है, जिसमें आपका टेक्सटाइल, आपका ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, ये 4-5 इसके अंदर जो है फील्ड्स होती हैं। ठीक है, नाटा में आपके लिए साइंस विद मैथ आपको चाहिए होता है जो कि कंपल्सरी है, और वेल एंड गुड है अगर आपका मैथ बहुत अच्छा है तो आप कैलकुलेशन करने में अगर बहुत अच्छे हैं तो आपकी ड्राइंग का मेजरमेंट्स और वो चीज़ें बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। और देखिए कितनी बड़ी बात है कि एक ड्राइंग लेवल से आप एक आर्किटेक्चर अगर आप बन जाते हैं तो आप कितनी बड़ी बड़ी इमारतें आप बनाएंगे, कितने बड़े बड़े मॉल्स, कितने कितने बड़े बड़े जो फ्लाइवर्स बनते हैं उनका निर्माण करने वाले आप बनेंगे। तो नाटा बहुत ही बड़ी फील्ड है, बहुत ही वास्ट फील्ड है। अगर बात करें NID की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, ये भी काफ़ी बड़ी वास्ट फील्ड है, जिसमें आप एक प्रोडक्ट आप जो डिज़ाइन करते हैं, जिसकी प्रोडक्ट का मीन्स क्या होता है कि एक जैसे छोटी सी अगर आपको एग्जांपल दूँ, छोटी सुई से लेकर एक बड़ी मशीन तक डेवलप करना, यानी कि अगर मान लीजिए आपको गाड़ियों में आपको इंटरेस्ट है
आपको फर्नीचर की डिजाइनिंग में आपको इंटरेस्ट है, तो छोटी सी चीज से लेकर उसका पूरा पूरा डिजाइन कन्वर्ट करना, ये एनआईडी के अंदर आता है। और एनआईडी बेसिकली आप कॉमर्स विद साइंस किसी भी स्ट्रीम से आप जा सकते हैं जी। तो सर आपने मुझे काफी अच्छा लगा, आपने सारी डिटेल्स के बारे में मुझे ब्रीफ किया, मुझे नहीं पता था इन फील्ड्स के बारे में, और काफी सारे इंस्टीट्यूशंस में भी मैंने जाके कंफर्म किया, लेकिन जितनी ब्रीफिंग से आपने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है, सबसे बेसिक जो होती है वो मुझे कहीं पे भी नहीं मिली। कलाबू में आके मुझे सारे डिटेल्स पता चली हैं। तो मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आपके पास मतलब इससे रिलेटेड कौन कौन सी क्लासेस होती है, कि मैं अगर यहाँ 10th के बाद अगर मैं क्लासेस लूँ तो मुझे वो कैसे शेड्यूल पूरा होता है, क्या क्या चीजें आप प्रोवाइड करते हैं? देखिए मेनली चीज क्या होता है कि अगर आप क्रिएटिव, जैसे मैंने आपको पहले इंट्रोड्यूस किया, आफ्टर 12th हमारे जो बेसिक्स प्रोग्राम्स हैं, हम निफ्ट, नाटा, एनआईडी और बैचलर्स के लिए हम जो है स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। और ना कि सिर्फ स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना, उनको करियर में 1 से 2 साल के अंदर उनको स्टैंड करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि 1 साल 2 साल के डिप्लोमा बेसिस, देखिए मेरा ये भी कहना है, अगर आप 4 से 5 साल का लंबा सफर अगर आप तय नहीं करना चाहते हैं, तो आज वो भी टाइम आ चुका है कि आप सिर्फ डिप्लोमा बेसिस पे, अपने स्किल्स बेसिस पे आप अपना करियर बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज का दौर पोर्टफोलियो बेसिस पे है, टेक्निकल बेसिस पे है। अगर आपका टेक्निकल स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आपको नॉलेज बहुत अच्छी है, तो आप अपने स्किल्स और अपनी कैपेबिलिटी से आप बहुत अच्छे से, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर काफ़ी फास्ट है, खुल चुके हैं, वहाँ पर आपको हाथों हाथ आपको लिया जाता है। क्योंकि आप कुछ छोटे टाइम के अंदर ही डिप्लोमा सेशंस करने के बाद ही आप लोट्स ऑफ नॉलेज आप लेने के बाद सीधा आप अच्छी कंपनीज में, अच्छे स्कूल्स में आप ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि हम स्टूडेंट्स को बेसिकली इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं जिसमें आप बेसिक्स नॉलेज लेने के साथ साथ में आप टेक्निकल आप जो स्ट्रॉन्ग बनते हैं। जब आप टेक्निकल स्ट्रॉन्ग होते हैं तो आप कॉन्फिडेंट होते हैं अपने आप को लेकर, अपनी प्रेजेंटेशन को लेकर, अपने करियर को लेकर। वो सब चीज़ें जब आप लेकर आप किसी के सामने उतरते हैं तो उनको पता होता है कि ये एक्सपीरियंसफुल बंदा है। थैंक यू सो मच सर, आज मुझे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली है, जहाँ मैं ये सोचती थी कि भाई ये फर्नीचर कैसे बनता है, ये वॉच कैसे बनती है, तो उसका जो बेसिक होता है वो सब ड्राइंग होता है, जैसे आपने मुझे सारा ड्राइंग तो बेसिकली सभी चीज़ों का नेसेसरी है। मेरा मानना ये है कि आज के टाइम पे अगर कोई भी चीज़ बनी है तो वो सबसे पहले ड्राइंग ड्रॉ तो ज़रूर हुई है, और ड्रॉ ही है तो उसको ड्रॉ करने वाला एक आर्टिस्ट ही है। और गॉड गिफ्टेड, भगवान ने, अल्लाह ने सबको एक हुनर ज़रूर दिया है, बट हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। और पहचान भी पाए तो प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग या नॉलेज का ना होना या किसी से गाइडेंस का ना मिलना, ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा मैटर कर जाते हैं करियर को सक्सेसफुली बनाने में। तो मेरा मानना ये है, अगर आपको टाइम के साथ साथ, जैसे आप एजुकेशन आप लेते हैं, ऐसे अगर आपको टाइम टू टाइम अच्छी काउंसलिंग आपको मिल जाए प्रॉपरली, अगर आपको कोई ब्रीफ करने वाला है भले आपको मिल जाए, उससे आप अपना करियर बहुत अच्छे से आप बना सकते हैं। तो मेनली चीज़ है कि कलाभूमि हम टेक्निकल बेसिस पे आपको बेसिक्स आपको हम प्रिपेयर करते हैं बेसिक्स में। इसलिए मैंने आपको कहा कि निफ्ट, नाटा, एनआईडी और बीएफए, ये चारों पांचों काफ़ी बड़ी फील्ड है जिसमें आपका हॉबी को अगर आप स्किल्स वाइज बात करें तो स्किल्स सीख कर अगर आप क्रिएटिव फील्ड में आप जाते हैं तो काफ़ी बड़ी फील्ड है। क्योंकि आज का भी दौर वही है कि अगर हम देखें तो 90% एजुकेशन पर ही बिलीव करते हैं कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बट आज उस ट्रैक को अगर हम ब्रेक करें तो इन क्रिएटिव फील्ड्स में बहुत लोग आगे आ रहे हैं। और इसी चीज़ के चलते आज हमारा इंडिया डिजिटल हो चुका है और डिजिटलाइजेशन हमारे इंडिया में आ चुका है, इतना ग्रूम कर चुका है कि इंडिया में ही डिज्नी, इंडिया में ही कार्टून्स, इंडिया में ही सभी चीज़ें आनी स्टार्ट हो गई हैं। और यहाँ पर क्रिएटिव आर्टिस्टों की काफ़ी डिमांड है, और इस डिमांड के चलते आप लोग अगर अपनी हॉबी को टेक्निकल में कन्वर्ट करके, टेक्निकल अगर आप फील्ड्स में जाके अपने आप को एज ए डिज़ाइनर, एज ए आर्टिस्ट, एज ए विजुअल आर्टिस्ट, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ों को आप बनाएं, अगर आपकी सोच भी अगर आपकी क्रिएटिव है तो आपके आइडियाज़ भी आपके सेल होते हैं। मेरा मानना है कि फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप जाएं तो वहाँ पर एज ए कोरियोग्राफर कभी एक्टर वाला काम नहीं करता, वो सिर्फ अपने आइडियाज़ देता है, और आइडियाज़ के चलते वो क्रिएटिव आर्टिस्ट जो है बनता है।
तो मेनली है कि अगर आप क्रिएटिव फील्ड में आना चाहते हैं तो उन सभी के अंदर काफ़ी बड़ा स्कोप है और उस स्कोप को हम कहीं ना कहीं बेसिक नींव देते हैं। तो कलाभूमि आपको 1 ईयर फाउंडेशन, देन सेकेंड ईयर हमारा एडवांस कोर्सेज हैं, देन बैचलर्स, BFA एंड MFA वो स्ट्रीम्स भी हम यूनिवर्सिटी से कनेक्ट करके आपको जो है सिखाते हैं। उन बेसिस पे आप अपने करियर को बहुत अच्छे से आप सक्सेसफुल कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप टेक्निकली अगर आपको स्ट्रॉन्ग होना है तो आप कलाभूमि में ज़रूर आएँ। और साथ ही साथ देखिए, आज आपको वीडियो के ज़रिए आप लोगों के बीच में आने का पर्पज़ ये है कि शायद हर जगह ये चीज़ें पॉसिबिलिटी नहीं होती कि हर कोई एक आके आप लोगों से मिल पाए। तो दूर दूर तक अगर लोग किसी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं तो वो एक वीडियो का ज़रिया है। तो उस वीडियो पे आने से हम आप लोगों के पास आ पा रहे हैं और आपको बहुत अच्छे से आपको ब्रीफ कर पा रहे हैं। तो आप कलाभूमि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टेक्निकल बेसिस पे अगर बिल्कुल नियर बाय अगर आप दिल्ली में हैं तो आप कलाभूमि आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम आपको वीडियो के ज़रिए आपको बहुत चीज़ें आपको जो ब्रीफ करना चाहेंगे। थैंक यू।